सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। मैं अगस्त के लिए राशिफल बता रहा हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए। अगस्त में सूर्य सी राशि में संगमन करेगा, वक्री मंगल मकर में भ्रमण करेगा और 10 अगस्त को बुध मार्गी होकर कर्क राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि को अगर संक्षिप्त में कहे तो चिंताशील, चौकस, रिस्पॉन्सिबल, बुद्धिमान और सावधान, अति सावधान लोग कन्या राशि के जातक कुछ इस प्रकार के होते हैं। आप लोगों को अगस्त में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली ने आपकी करियर की सफलता का वादा अगस्त में आपको किया है। आप अपनी संगठित शक्ति के लिए माहिर होते हैं और इसी का फायदा आपको अगस्त में मिलेगा। आपकी काम की सराहना आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, बॉस है वगैरह करेंगे। आपके काम, आपके कर्म के कारण आपका नाम अगस्त में बनेगा और इसके कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको इनाम भी मिल सकता है। आपके छुट्टी पे जाने के सबसे पहले योग बन रहे हैं और अपने परिवार के लिए जो भी आपने कार्य किया है वो फलीभूत होने की पूरी संभावनाएं अगस्त में दिख रही है। जो लोग घर से दूर रहते हैं वो लोग अपने परिवारजनों से भी मिलेंगे। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में भी आप रुचि दिखाएंगे और ये भी आपके कार्य फलीभूत होंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है, अपनी भाषा पे कंट्रोल आप रखिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। आलस ना करें कार्य में, नहीं तो कोई कार्य आपके बाकी रह जाएंगे। आपके निजी संबंधों में मिठास आने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट है बता रहता हूँ। महीने का जो पहला पड़ाव है लगभग 10 दिन, उसके अंदर आप थोड़ी असमंजस की स्थिति को महसूस करेंगे या तो कोई निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जल्द ही इसमें सुधार भी आपका आ जाएगा। पारिवारिक लोगों के लिए थोड़ी अशांति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए जो भी हो वाद विवाद शांति से सुलझा ले और एकता रखे परिवार के अंदर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए समय इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपस में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इसमें भी आपको मैच्योरिटी से थोड़ा बहुत काम लेना होगा। जो लोग आर्थिक क्षेत्र में आईटी से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े लोग हैं सॉफ्टवेयर में वगैरह में या तो डेवलपिंग में वगैरह में, उन लोगों के लिए सबसे अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जातक अगस्त में अपने करियर की चरम सीमा पे होंगे और उनके लिए आर्थिक जो इनकम है, उनकी जो लाभ है वो बढ़ते रहेंगे। आईटी क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा है, जितने भी कन्या राशि के जातक हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आ सकती है, आपको खाने में अरुचि हो सकती है। अगर हम एक पर्टिकुलर हमारे शरीर के एक अंग की बात करूं तो कन्या राशि के लोग अपने आँखों का ध्यान रखें, शायद इसको नुकसान थोड़ा बहुत पहुँच सकता है। आर्थिक लेन देन के मामले में बात करूँ तो पैसों के मामले में ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा ना करें, नहीं तो धोखाधड़ी आपके साथ शायद हो सकती है। बड़ा अगर निवेश करना चाहते हैं तो अगस्त में कन्या राशि के जातक ना करें। तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट है। आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कंप्यूटर वगैरह, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं वो बड़े डिसीजन लेने से अगस्त में बचें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।